हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुमित, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल साइंस। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वी नो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। हियर वी कंटिन्यू ओवर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय लर्निंग अबाउट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन शॉर्ट वी कैन से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर करेक्टराइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कार्बन हाइड्रोजन फ्रेमवर्क इन ए कंपाउंड। इससे पीछे की क्लासेज में हमने UV IR के बारे में स्टडी की थी और वहाँ हमने देखा था कि जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुकेशन डिटर्मिनेशन में हम काम में ले रहे थे, उसके अलावा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में काम में ले रहे थे। नेक्स्ट जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके बारे में हमने यहाँ चर्चा शुरू करनी है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन फ्रेमवर्क है उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, और इस प्रकार जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो टू कॉमन टाइप की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉर्मली हम काम में लेते हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में या करेक्टराइजेशन में। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो H1 NMR या प्रोटोन NMR है, जो कि किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में कितने टाइप के हाइड्रोजन्स हैं और उन हाइड्रोजन्स की संख्या कितनी कितनी है उसके डिटर्मिनेशन में हम नॉर्मली काम में लेते हैं। तो देखिए, प्रोटोन NMR इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज C13 NMR और कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। NMR स्टेम्स फ्रॉम द सेम बेसिक प्रिंसिपल एज ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज वी ऑलरेडी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। And in all type of spectroscopy, this general concept is same. Energy interact with a molecule and absorptions occur only when the incident energy match the energy difference between two states. Here, important concept is that the energy difference between two states, in NMR we can say alpha spin state and beta spin state, is matched with the incident energy, then absorption of electromagnetic radiation is occur. In NMR spectroscopy, electromagnetic radiations are radio frequency regions, related to radio frequency regions. Now next हम basics जो है NMR spectroscopy की उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। The source of energy in NMR is radio waves, radiation in the radio frequency region of the electromagnetic spectrum, so-called RF radiation, has very long wavelength, so its corresponding frequency and energy are both low. As we already know, when wavelength is high, then energy is low, because E bar hc upon lambda. When these low energy radio waves interact with a molecule, they can change the nuclear spin of some elements, including H1, C13. When a charged particle, such as a proton, spin on its axis, it creates a magnetic field. We already know, when any charged particle, just like proton, जब वो अपनी axis पर spin करता है, तो वो एक magnetic फील्ड जनरेट करता है या क्रिएट करता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन, देयर फॉर ए न्यूक्लियस इज ए टिनी बार मैग्नेट सिंबलाइज्ड बाय, हियर वी सी सिंबल। तो जो न्यूक्लियस होता है
वो एक छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको हमने तीर के निशान के बीच में एक गोल सर्कल है उसके थ्रू सिंबलाइज्ड किया है, उसकी तरह बिहेव करता है। नॉर्मली दीज न्यूक्लियर मैग्नेट्स आर रेंडमली ओरिएंटेड इन स्पेस, ये स्पेस में रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो अप्लाई करते हैं तो ये या तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अपने आप को क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ओरिएंटेड हो जाते हैं या उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ज्यादातर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो उसके डायरेक्शन में ही अपने आप को सेट कर लेते हैं, क्योंकि उस केस में जो एनर्जी होती है वो लो होती है। क्या होती है? लो होती है। और यहाँ पर नॉर्मली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, 0.4 जूल पर मोल से भी कम होता है। तो यहाँ हमने देखो दो डायग्राम के थ्रू इनको शो कर रखा है, एक में विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड है, और सेकंड में हमने शो कर रखा है कि जो न्यूक्लियर मैग्नेट्स हैं वो ओरिएंटेड हैं विथ और अगेंस्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके या तो साथ में अपने आप को उन्होंने ओरिएंटेड कर रखा है या उसके अगेंस्ट ओरिएंटेड कर रखा है। तो नेक्स्ट हम बात करें कि इन मैग्नेटिक फील्ड देयर आर नाउ टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स फॉर ए प्रोटॉन। तो इस केस में हमने देखा है कि दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। लो एनर्जी स्टेट है जिसको हम अल्फा स्पिन स्टेट के थ्रू डिनोट करते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है जो कि न्यूक्लियस के डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। और जो हायर एनर्जी स्टेट है जिसको बीटा स्पिन स्टेट से हम डिनोट करते हैं, वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो के ओपोज्ड अपने आप को अलाइंट करके रखते हैं। अब देखिए हम जब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एच न्यू है उसकी जो एनर्जी है वो जो दोनों स्पिन स्टेट हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके इक्वल हो जाती है तो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, और जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में फ्लिप कर जाती है। जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी कम होता है और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उसके अंदर मैच करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अब्जॉर्बिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कॉज द न्यूक्लियस टू स्पिन फ्लिप, जैसा हमने इस चित्र में शो कर रखा है। पहले ये लोअर स्पिन स्टेट में था, डेल्टा ई के जो डिफरेंस है एनर्जी का उसके इक्वल जब एनर्जी इसको मिली तो ये हायर एनर्जी स्टेट में फ्लिप कर गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस जो है इज इन रेजोनेंस व्हेन इट अब्सॉर्ब्स आरएफ रेडिएशन एंड स्पिन फ्लिप्स टू ए हायर एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें कि जो वेरिएबल्स हैं जो एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम को करेक्टराइज करते हैं, वो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो है जिसको हम टेस्ला के अंदर मेजर करते हैं, और सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी है न्यू ऑफ रेडिएशन जो कि रेजोनेंस के लिए काम में आती है, जिसे हम सामान्यतया हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और हम जानते हैं कि जो एक मेगा हर्ट्ज है वो 10^6 हर्ट्ज के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस के लिए जरूरी होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो के प्रोपोर्शनल होती है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जितना ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी, और उतना ही एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा।
तो द स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड द लार्जर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स एंड हायर द न्यू नीडेड फॉर रेजोनेंस। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस के लिए ज़्यादा न्यू या ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। और इस रिलेशन को जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो न्यू इज इक्वल टू गामा बी जीरो अपॉन टू पाई होता है, जहाँ गामा है वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। तो आज की इस क्लास में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हैं उनको यहाँ समझने की कोशिश की। थैंक यू।